हेलो दोस्तों, बॉस ऑफ इंडिया शेयर बाज़ार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज जैसे कि आप देख सकते हैं कि मार्केट में काफ़ी मतलब मार्केट में स्टार्टिंग से ही भूचाल था और अच्छा खासा पता था कि मार्केट ने गिरने वाला है। जस्ट बिकॉज ऑफ व्हाट? सिंपल एक रीज़न था कि कोविड कोविड के जो केसेस इंडिया में जिस तरीके से डेली वाइज बढ़ते जा रहे हैं, 1.5 लाख अगर कल की बात की जाए तो 1.7 लाख, और अब देखो आगे कितने बढ़ते हैं। तो इस तरीके का जो ये राइज हो रहा है कोविड में, इसकी वजह से यहाँ पर सारे के सारे अगर बात की जाए शेयर यहाँ पर गिरते हुए नज़र आ रहे हैं। केवल अगर हम देखें तो 4 शेयर ऐसे थे जिनमें से डॉक्टर रेड्डी, सिप्ला और डिविस लैब और ब्रिटानिया, ये केवल 4 शेयर ऐसे थे जिनमें क्या कहते हैं आपको जंप दिखाई दी। जिनमें से 3 स्टॉक तो केवल फार्मा से रिलेटेड थे और एक FMCG थे, वरना IT जिसके हम लगा रहे थे कि इंफोसिस में अच्छी खासी न्यूज़ आई थी बाईबैक से रिलेटेड, बट स्टिल ये भी शेयर हमें गिरता हुआ नज़र आया। TCS के आज रिजल्ट है, ओके, स्टिल ये भी शेयर हमें गिरता हुआ नज़र आया। तो हम अक्सर होता क्या है कि रिजल्ट आते हैं तो ये शेयर भागते हैं, बट ये शेयर गिरते हुए नज़र आए जस्ट बिकॉज ऑफ कोविड के राइज और लोगों ने यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग करनी शुरू कर दी। यहाँ पर FISDIS ने आई थिंक अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग करी है, जिस वजह से सभी के पोर्टफोलियो अच्छे खासे नेगेटिव, ट्रेडर्स के पैसे मरे होंगे अच्छे खासे जिन्होंने लॉन्ग किया होगा। और अगर बात की जाए जो लोग यहाँ पर है, अगर हम बात करें इन्वेस्टर, तो इन्वेस्टर ने अच्छा खासा उन्होंने अपना पैसा लूज़ किया होगा, बट इन्वेस्टर को कभी डरने की बात नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि उनका पोर्टफोलियो देखिए स्टार्टिंग में नेगेटिव में ही रहता है, क्योंकि हम ऊपर लेवल पर हमेशा शेयर खरीदते हैं, बट धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाता है हमारा स्टॉक ऊपर की तरफ जाता जाता है और हम अच्छे खासे उसमें गेन मिलता रहता है, बट हमें वेट करना होता है। पर इसमें इन्वेस्टर के लिए पेशेंस इज द की एंड द बेस्ट। स्टॉक चूज करके चुपचाप बैठे रहो, नीचे आएगा कोई इशू नहीं है, बाय ऑन डिप्स करो, अगर अदरवाइज भागते भागते रहेंगे। तो आज का शेयर एक पर्टिकुलर वीडियो से रिलेटेड है, किससे रिलेटेड? डॉक्टर रेड्डी। तो डॉक्टर रेड्डी अगर हम बात करें, आज के दिन अच्छी खासी जंप नजर आई है, क्यों आप देखेंगे, इससे रिलेटेड बातें करेंगे। बट बिफोर दैट आगे बढ़े तो सबसे पहले आपसे आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ हमारे चैनल बॉस ऑफ इंडिया शेयर बाजार में, और रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप हमारे इस चैनल के साथ जुड़े रहिए, हमें हमेशा की तरह जैसे प्यार देते आए हैं उस तरीके से प्यार देते रहिए, हमारी वीडियो को वॉच करते रहिए, दूसरे लोगों को कनेक्ट करते रहिए, सब्सक्राइब करें, शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और नीचे वीडियोस सेक्शन में जाएंगे तो बहुत सारी वीडियोस मैंने अच्छे अच्छे शेयर से रिलेटेड बनाई है और बताया है कि कौन से शेयर आपको बाय ऑन डिप्स करके खरीदने हैं, तो उस वीडियो को देखते रहिए, बाकी हमारी आने वाली वीडियो भी देखते रहिए। और नीचे डिस्क्रिप्शन में 2 लिंक मिलेंगे, एक श्री राम जी का अयोध्या में मंदिर बन रहा है, यहाँ पर क्लिक करें, आपको इनकी वेबसाइट पर ले जाएगा और आप अपनी इच्छा अनुसार जो भी चाहे श्रद्धा के अनुसार दान दे सकते हैं, और दान देना एक पुण्य का काम होता है। और बात करें यहाँ पर एक और लिंक है, अगर आपका डीमैट ट्रेडिंग अकाउंट नहीं है यहाँ पर क्लिक करें और फ्री में आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा, डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट, कोई पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आते हैं सीधे हम अपने शेयर की तरफ, यहाँ पर आप देख सकते हैं डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरीज, यहाँ पर देखिए 7% का जंप आज की डेट में दिखा है, जहाँ पर सारे के शेयर गिरे हुए थे यहाँ पर एकमात्र शेयर था जिसने 7% का आपको गेन देता हुआ नजर आया। अगर हम 5 डे अगर इसका 6 मंथ का चार्ट पैटर्न देखते तो देखिए नेगेटिव, जस्ट बिकॉज ऑफ अनसर्टेनिटी और जस्ट बिकॉज ऑफ यहाँ पर कुछ न्यूज़ थी जो फुलफिल नहीं कर पा रहा था, तो यहाँ पर देखिए अनसर्टेनिटी थी, अनिश्चितता थी, जिस वजह से ये शेयर यहाँ पर गिरता हुआ नजर आया, बट वो खबर अब सच होती हुई नज़र आई है और यहाँ पर अब ये शेयर भागना शुरू कर दिया है। तो इसका जो प्रीवियस हाई था, ऑल टाइम हाई था, उसे तो क्रॉस करेगा ही करेगा, एज वेल एज बात की जाए ये उससे भी आगे निकल सकता है, इसलिए इस शेयर पे हमें नज़र रखनी है। और यहाँ पर लॉन्ग टर्म का इसका चार्ट पैटर्न देखते हैं, 1999 से कंपनी मार्केट में लिस्ट है, जंप और गिरावट देखिए हर शेयर का, शेयर मार्केट का असूल है, बट जो नीचे से जाके लॉन्ग टर्म में हमें ऊपर की तरफ गेन दे दे उसे ही अच्छा शेयर हमें हमेशा कंसीडर करना चाहिए। और यहाँ पर देखें 2015 से 2021 चल रहा है आज की डेट में, ओके, इस शेयर ने देखिए बस थोड़ी बहुत ही जंप दिखाई दी है, ज़्यादा कुछ इसने रिटर्न नहीं दिया, बट ओवरऑल बात की जाए अच्छे खासे यहाँ पर हमें इन्वेस्टर को रिटर्न मिलते आए हैं, और लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी अच्छी खासी हमें नज़र भी आती है। अगर बात करें आज की डेट में तो यहाँ पर देख सकते हैं 52 वीक लो लगभग 3500-3600 रुपये के आसपास था, इसके बाद 5512 रुपये तक गया था, बट जो इसकी एक न्यूज़ थी Sputnik V जो रशियन कोविड की वैक्सीन है यहाँ पर उन्होंने लॉन्च की थी, बट अभी उसमें बीच में काफ़ी सारे इशू होते हुए नज़र आए थे, तो इंडिया ने गवर्नमेंट ने यहाँ पर अलाउ नहीं किया था, जिस वजह से शेयर यहाँ पर गिरता हुआ नज़र आया। बट एक न्यूज़ आ गई है और उसकी भरोसे अगर देखें तो 7% का यहाँ पर जंप दिखाई दिया है। अगर बात करें देखिए ये कंपनी जो बनाती है, यहाँ पर आप देख सकते हैं एक रेमडेसिविर
यहाँ पर एक इंजेक्शन है जिस जो कोविड में काफ़ी पॉपुलर है, और ये केवल पांच ब्रांड है जो चार ब्रांड है सॉरी जो बना तीन या चार ब्रांड है अगर देखा जाए तो। एक तो डॉक्टर रेड्डी है जो कि रेडिक्स के नाम से बनाती है, सिप्ला सिप्रेमी के नाम से बनाती है, और जायडस कैडिला रेमडेक के नाम से बनाती है। अगर बात करें केवल ये तीन कंपनी है जो हमें ये इंजेक्शन बनाती हुई नज़र आती है, तो देखिए एक तो फ़ायदा इस कंपनी को इस चीज़ का हुआ है अगर बात करें डॉक्टर रेड्डी का, और दूसरी अगर बात करें तो यहाँ पर बात करना चाहता हूँ मैं स्पुतनिक 5 जो वैक्सीन है उसे अप्रूवल मिल चुका है फाइनली, और अप्रूवल की वजह से ही यहाँ पर अगर हम लास्ट मोमेंट पे देखें तो यहाँ पर शेयर जस्ट बिकॉज ऑफ नॉर्मल चल रहा था, ये तो जो फार्मा के स्टॉक है इस तरीके से चल ही रहे, बट लास्ट मिनट में देखा जाए 3:10 पे तो एक न्यूज़ आई और 4% का 4.5% का जंप देखा गया जस्ट बिकॉज ऑफ कि यहाँ पर DGCI ने यहाँ पर अप्रूव कर दिया। आई थिंक यहाँ पर न्यूज़ अभी तक दिखाई नहीं है बट यहाँ पर अप्रूव कर दिया है, और यहाँ पर इसी वजह से यहाँ पर अच्छी खासी जंप दिखाई दी गई है, और दो शेयर ऐसे हैं जिनमें यहाँ पर अच्छा खासा गेन दिखाई दिया। एक तो शेयर यहाँ पर यही है, ओके इससे रिलेटेड बातें कर लेते हो तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मार्केट कैप लार्ज कैप कंपनी है, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, काफ़ी बेहतरीन, और निफ्टी 50 का पार्ट है। ROC की बात करें 18 का है, और डेट इक्विटी रेशियो देखिए यहाँ पर डेट है थोड़ा सा, कोई भी शेयर यहाँ पर प्लेस नहीं है। तो इंट्रेंसिक वैल्यू की भी बात करें तो ये अपने इंट्रेंसिक वैल्यू से भी कम चल रहा है, 6,000 रुपये का यहाँ पर इसकी इंट्रेंसिक वैल्यू है, और ये शेयर किसने पे चल रहा है, ये चल रहा है 5,000 रुपये, तो इंट्रेंसिक वैल्यू के नीचे चल रहा है। लास्ट टाइम मैंने एक सनोफी एक कंपनी थी फार्मा की, उस पर भी वीडियो बनाया था कि 8,800 की उसकी इंट्रेंसिक वैल्यू थी, और स्टॉक चल रहा था 7,800 पे, तो 1,000 रुपये नीचे चल रहा था, उसके बाद वो भागता हुआ नजर आया। तो देखिए ये भी शेयर हमें उस तरीके से भागता हुआ नजर आएगा, और हमेशा वॉरेन बफेट साहब कहते हैं कि इंट्रेंसिक वैल्यू से नीचे अगर कोई शेयर मिलता है तो उसे हमें डेफिनेटली खरीदना चाहिए। तो ये शेयर इंट्रेंसिक वैल्यू के नीचे भी मिल रहा है, एज वेल एज में अच्छी खासी न्यूज़ भी आपको नजर आई है। तो अगर हम यहाँ पर बात करते हैं इसके ईयरली परफॉर्मेंस की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सेल्स मार्च 2019 में 4,159 करोड़ रुपये की सेल्स थी, जो कि बढ़ते बढ़ते आज की डेट में पिछले 12 महीने 12,850 करोड़ की सेल है, जो कि कंसिस्टेंसी दिखा रहा है अपने सेल्स में। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें 850 करोड़ का प्रॉफिट यहां पर 3,040 करोड़ के प्रॉफिट में तब्दील हो चुका है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। अगर बात की जाए कंपनी यहां पर कर्जा भी कम करती हुई नजर आई है, क्योंकि इंटरेस्ट कम देते हुए नजर आ रहे हैं। नेट प्रॉफिट की बात करें तो 561 करोड़ रुपये का प्रॉफिट आज की डेट में 2,378 करोड़ रुपये के प्रॉफिट पे है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। वैसे 2020 में यहां पर मार्च से थोड़ी सी कमी आई है जस्ट बिकॉज ऑफ अभी कुछ न्यूज आई थी, बट दोबारा भागते हुए शेयर नजर आएगा, और अच्छा खासा यहाँ पर इसमें जंप नजर आती हुई हमें फ्यूचर में नजर आएगी। रिजर्व्स की बात करें रिजर्व्स काफी अच्छे हैं, 16,000 करोड़ के रिजर्व्स हैं। बोरिंग की बात करें 1,597 करोड़ की यहाँ बोरिंग है, थोड़ी सी बोरिंग यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आई है, जो कि ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ 0.10 डेट इक्विटी रेशियो है यहाँ पर, और इस वजह से यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर ये इंटरेस्ट भी पे करते हैं, साल का अगर बात करें 42 करोड़ रुपये का इंटरेस्ट यहाँ पे करते हुए नजर आते हैं। इन्वेस्टमेंट की बात करें तो 5,453 करोड़ रुपये का यहाँ पर इन्वेस्टमेंट है कंपनी, और कैश की बात करें तो 228 करोड़ का कैश फ्लो भी कंपनी के पास अच्छा है। प्रमोटर की होल्डिंग 26.73 है, कोई भी शेयर गिर भी नहीं है। FIS की बात करें 30% के लगभग शेयर है, DIS की बात करें 14%, जो कि अपनी हिस्सेदारी बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। पब्लिक की बात करें पब्लिक के पास यहाँ पर 29% दिखाई दे रहा है, बट इसमें 29 में भी अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखिए HNIs अगर JP Morgan चेस बैंक को देखें 13%, ये 1.57 यहाँ पर ICICI ने, NP ट्रस्ट ने यहाँ पर 1.14% की हिस्सेदारी ले रखी है। तो ओवरऑल अगर बात करें तो केवल 13% के आसपास ही पब्लिक के पास है, बाकी सारी होल्डिंग्स काफ़ी अच्छे स्ट्रॉन्ग हैंड में है, तो ऐसी कंपनी पे हमें नज़र रखनी चाहिए। इसके अलावा एक और कंपनी है जो हमें लास्ट में भागती हुई नज़र आई थी, ये है ये कंपनी 20% का अपर सर्किट यहाँ पर लगता हुआ दिखाई दिया या बायोटेक लिमिटेड में, तो इस कंपनी की तरफ भी ध्यान दीजिएगा, ये भी शायद इंजेक्ट मैंने इसके यहाँ पर देखा नहीं है, तो अभी अगर इसके सब कुछ देखने लग गए तो ये हमारा वीडियो लंबा होता हुआ नज़र आएगा, बट इसके लिए एक अलग सेपरेट वीडियो डेफिनेटली मैं बनाऊंगा। अगर इसका मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी सारी हलचले हैं, तो इसमें इन्वेस्ट करने से पहले आपको क्या कहते हैं 100 बार सोचना पड़ेगा, सोचना हमेशा चाहिए कि इसमें इन्वेस्ट करें या नहीं, क्योंकि इसका चार्ट पैटर्न आप देख सकते हैं वॉलिटिलिटी इसमें
में खास तौर पे नजर आती है, बट आज के दिन में 20% भागता हुआ नजर आया। स्टॉक का नाम है पेनेशिया बायोटेक। क्यों भागता हुआ नजर आया? तो यहाँ भी अभी शायद कोविड से रिलेटेड कुछ काम कर रहा है, अगर ये बात करें वैक्सीनेशन से रिलेटेड काम करता हुआ नजर आ रहा है इस वजह से। अगर हम यहाँ पर देखते हैं इसके कुछ फंडामेंटल्स, तो मार्केट कैप यहाँ पर देख सकते हैं 1430 करोड़, स्मॉल कैप कंपनी है, इस वजह से यहाँ पर वॉलेटिलिटी नजर आती है। अगर बात करें प्लेजिंग, तो इस कंपनी में लगभग 70% की प्लेजिंग है। ओके, टीवी पर इसमें काफ़ी दिखा रहे हैं आज के दिन की 20% भाग गया, बट कंपनी के शेयर होल्डर ने 20% के शेयर यहाँ पर गिरवी रख रखी है। अगर बात करें कितने शेयर है, प्रमोटर का 73% के शेयर है, जिसमें 69% के शेयर यहाँ पर गिरवी कर के रख रखे हैं, तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। FIIs कुछ खास नहीं है, DIIs यहाँ पर 1.34% है। पब्लिक की बात करें तो यहाँ पर पब्लिक हमें नज़र आती है, पब्लिक में भी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, मतलब अगर बात करें एस्ट्राजेनिका ने भी यहाँ पर हिस्सेदारी ले रखी है 5.47। अगर बात करें यहाँ से मतलब इन्हीं ने पूना वाले ने ही यहाँ पर हिस्सेदारी ले रखी है, लगभग 10% की हिस्सेदारी है। बाकी यहाँ पर प्लेजिंग परसेंटेज काफ़ी ज़्यादा है, तो हमेशा ध्यान दे के ही यहाँ पर आप इन्वेस्ट करना। बैलेंस शीट की बात करें तो रिजर्व्स देखिए, माइनस में रिजर्व्स है, बोराइंग 641 करोड़ की बोराइंग है। बात करें यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की, 6 करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट है। और कैश इक्विवेलेंट की बात करें तो 102 करोड़ रुपए का यहाँ पर कैश इनके पास है। अगर यहाँ पर प्रॉफिट ईयरली बेस पे प्रॉफिट सेल्स और रेवेन्यू देखते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं घटते हुए मैनर में दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पर देखिए इंटरेस्ट, तो कंपनी देखिए इंटरेस्ट पे करती जा रही है, 183 करोड़ रुपये का इंटरेस्ट 12 महीने में पे कर चुकी है। नेट प्रॉफिट की बात करें वो भी नेगेटिव में है, तो इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ ऐसी कंपनी से हमेशा दूर रहना चाहिए। शॉर्ट में आपको वीडियो बना दिया है कि एक न्यूज़ आ गई तो इसमें कंपनी में इन्वेस्ट कर दे, इसकी जगह आप डॉक्टर रेडी में आप इन्वेस्ट करते हुए नजर आएंगे, तो शायद आपका पैसा अभी अगर नीचे वॉलेटिलिटी दिखाई देती है, बट स्टिल यहां पर आपका पैसा सेफ रहने के चांसेस ज्यादा है। तो अगर यहां पर देखते हैं डॉक्टर रेडी लेबोरेटरी, यहां पर टारगेट भी अलग अलग दिए गए हैं, और यहां पर स्पुतनिक 5 को जो रशिया की वैक्सीन है, ओके, जो इंडिया में डॉक्टर रेडी बेचेगा, तो यहां पर अप्रूवल यहां पर मिल चुका है, तो इस शेयर में हमें जंप देखती हुई मिलेगी फ्यूचर में, तो इसलिए इस शेयर की तरफ आप ध्यान दे सकते हैं। तो इसी से रिलेटेड वीडियो थी, वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कमेंट शेयर करिएगा, एज वेल एज हमारे चैनल बॉस ऑफ इंडिया शेयर बाजार को सब्सक्राइब करें, शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ, ताकि इस तरीके की वीडियो आपके पास लाते रहे। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।